नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। 25 जुलाई 2021 को इंडिया श्रीलंका के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मैच के पहले बॉल पर ही पृथ्वी शॉ की विकेट गंवाने के बावजूद भारतीय कप्तान शिखर धवन के 46 और सूर्य कुमार यादव के 50 रनों की बदौलत भारत 164 रन बनाने में कामयाब रहा। 165 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और विकेट लेकर उन पर प्रेशर बनाकर रखा, जिसके चलते पूरी श्रीलंकाई टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और महज 18.3 ओवर में 126 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका की ओर से चरित असलंका ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 26 बॉल में 44 रन बनाए, लेकिन असलंका को छोड़ श्रीलंका के सभी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नाकाम रहे। भारत की ओर से सभी गेंदबाजों ने विकेट ले ली, मगर सबसे सफल गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार रहे, जिन्होंने 3.3 ओवर में महज 22 रन देकर 4 विकेट झटके। इसके चलते 3 टी20 मैचों की सीरीज में भारत ने पहला मैच जीत 1-0 से बढ़त ले ली। सीरीज का अगला मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। देखना होगा कि क्या श्रीलंका वापसी कर पाएगा या भारत अगला मैच भी जीत सीरीज अपने नाम करने में कामयाब होता है।